या तो जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछा जाए, क्वेश्चन रेज किया जाए, या फिर उनके हाँ में हाँ मिला करके यह कहा जाए कि साहब आप जैसा कोई था ही नहीं, न कोई था न कोई है न आगे होगा। दो चीज़ें हैं आज, दो ध्रुवों में लोग बंट गए हैं। एक तो यह है कि सरकार चाहे जो भी करेगी हम हाँ में हाँ मिलाएंगे, दूसरा यह है कि एक तबका ऐसा है जो क्वेश्चन उठाएगा, तीसरा एक तबका ऐसा है जो अपने लिए, जो अपने लोग हैं उनके लिए सवाल खड़ा नहीं करेगा और सामने वाले के लिए सवाल खड़ा करेगा, यानी दलगत भावनाओं से प्रेरित वह लोग हैं। अब आप बताएं किस श्रेणी में खड़ा हुआ जाए। सवाल अगर खड़ा करेंगे तो लोग कहेंगे इसके पहले आप कहाँ थे, 70 साल पहले कहाँ थे। और फिर जैसे ही आप क्वेश्चन रेज करेंगे, सत्ता से सवाल पूछेंगे, वैसे ही आप राष्ट्र विरोधी तत्वों में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों यह काम आज से नहीं हो रहा है। अब तमाम मित्रों के सैकड़ों और हजारों लोगों ने यह सवाल किया, इससे पहले आपने क्या किया, तो मैं चाहूँगा आप सवाल करिए। मैं यह भी चाहूँगा कि लाइव अगर होने की स्थिति होगी तो मैं उस पर भी होऊंगा। अब मैं धीरे धीरे आपको एक सीरीज चला करके 30 वर्षों के अपने काम को दिखाऊंगा। जब इन लोगों ने ऐसे बिंदुओं पर कभी सवाल उठाया ही नहीं था, कभी सोच भी नहीं रही होगी सरकारों की, तब से यह काम किया जा रहा है। आज जो चित्र आप देख रहे हैं यह 6 मई 2010 का है। हम गंगा के लिए सत्याग्रह कर रहे थे। यह गाजीपुर की गंगा जो हमारे जनपद से होकर के गुजरती हैं, कूड़ा सफाई कर्मचारी उसमें जो उसकी गाड़ी होती है उसमें कूड़ा उठाता था और गंगा के किनारे ऐसे कूड़ा डालता था। आप चित्र में देख करके इसको महसूस कर जाएंगे, बिना बताए आप महसूस करेंगे कि किस तरह से गंगा में कूड़ा डाला जाता था। आज गंगा काफ़ी अविरल निर्मल हुई है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। योगदान है तो कोरोना का है, किसी का कोई योगदान नहीं है। जैसे पहले गंगा थी, आज भी संतों ने यद्यपि पानी पी करके बताया, अब मैं कुछ कहूँगा नहीं संतों के नाम पर, लेकिन एक गिलास पानी पी लें फिर पता लग जाएगा क्या स्थिति होगी। बहरहाल आज प्रकृति ने काफ़ी कुछ किया है, हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाएंगे अथवा फिर किसी कोरोना का इंतजार करते रहेंगे, यह कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से प्रकृति ने हमारे लगातार छेड़छाड़ और जो सृष्टि के नियम है उस पर उसके उल्लंघन करने का जो दंड दिया है और जीवन शैली सुधारने के लिए जो संदेश दिया है अभी भी सुधर जाना चाहिए। चलिए हम आते हैं गंगा को बचाने वाले सत्याग्रह पर। मैं बता रहा था गाजीपुर शहर को अगर देखा जाए तो 1 दर्जन महत्वपूर्ण घाट हैं जो गंदगी के अंबार से पटे हुए हैं। 2 तरह की गंदगी है, एक तो मानव जनित है क्योंकि हम वहाँ शौच करेंगे। दोस्तों हजारों लोगों को शौच करने से रोका गया, टोका टाकी किया गया, प्रणाम किया गया, उसको भी वाराणसी में किया गया, इलाहाबाद में किया गया, गाजीपुर में तो बहुलता में किया गया, पटना में किया। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जहां हुगली नदी है वहां भी पहुंच करके, अब इसे लोग कहेंगे यार पागलपन का लक्षण है, जिसको जो कहना होगा ये जुनून है। मुझे पता था, जैसे लगता था कि कभी न कभी समय अच्छा आएगा और बात लोग मानेंगे। दोस्तों 25 साल पहले पॉलीथीन के विरोध में रैली निकाली गई थी, 25 साल पहले, जब इन लोगों ने पॉलीथीन पर कभी किया भी नहीं था। दशकों पहले SDM को पकड़ा गया था पॉलीथीन में सब्जी लेता ले जाते हुए, उन्होंने क्षमा मांगा था। बारी बारी बताएंगे, और वह लोग धन्य हैं जो इस तरह से क्वेश्चन रेज करते हैं और कहते हैं आप कहाँ थे। कहता कौन है साहब, 9 में पढ़ने वाले लड़के, 11 में पढ़ने वाले लड़के, 10 में पढ़ने वाले लड़के, टाई और सूट पहनने वाले बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने अपने उसको गिरवी रख दिया है, वो सीधे बगैर कुछ सोचे समझे पूछेंगे आप कहाँ थे। अब भाई उस समय तो यह सोशल साइट था नहीं जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे, YouTube था नहीं कि हम बताएं। कुछ समाचार पत्र की कटिंग है जिसे हम दिखा देंगे, जैसे यह कटिंग है आप इसको देख सकते हैं, गंगा को बचाने के लिए सत्याग्रह, और ये आप इसमें डेट भी देख सकते हैं, आपको हम डेट दिखाते हैं, यह डेट आप देख सकते हैं 6 मई 2010 का है। और मुझे भी आप पहचानिए 10 साल पहले मैं कैसा था। बहुत दिखाऊंगा, बहुत इस तरह के कटिंग एक आध कुंटल वाले बोरे से समाप्त हो गई हैं, नहीं रही रखने का वह नहीं था, कुछ नष्ट हो गई और कुछ दीमक चाट गए, लेकिन बहुत सी कटिंग अभी है, एक
कुंतल के बोरा से एक बोरा कटिंग होगी अभी, उसको सजो करके रखा हूँ तो बताता हूँ। इस तरह से गाड़ी ले जाते थे और उसमें डाल देते थे। इसको रोकने की जिम्मेदारी ईओ की है, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका। नगर पालिका में यह होते हैं, नगर पंचायतों में होते हैं। हमारे यहाँ गंगा जहाँ से वाराणसी से सीधे गाजीपुर आती हैं। बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं कि गाजीपुर जहाँ आप हैं किस तरह से भौगोलिक स्थिति है। तो गंगा कैथी से मार्कंडेय महादेव का धाम है, वहाँ से सीधे आती हैं गाजीपुर में प्रवेश करती हैं सिधौरा के पास से। जब आती हैं गाजीपुर में तो गाजीपुर में पहला नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत है सैदपुर, सैदपुर के बाद सीधे आ जाती हैं गाजीपुर नगर पालिका परिषद है, नगर पालिका परिषद के बाद गाजीपुर से जाती हैं जवानिया और जवानिया से यूसुफपुर मोहम्मदाबाद। कुल मिलाकर के चार नगर पालिका परिषद नगर पंचायतों से होकर के गंगा गुजरती हैं। कमोबेश चारों जगह यही स्थिति है कि कूड़ा उठाते हैं और उसी में डालते हैं। दोस्तों लिखते पढ़ते इतना लिखा गया जो भी डीएम आए जो भी अधिकारी आए सब अपना समय काटते गए। तो क्या किया गया, सत्याग्रह करते थे, कभी कानून हाथ में नहीं लिया गया। उस कूड़े के ढेर पर जो पहाड़ जैसा है, दिल्ली के गाजीपुर में जो पहाड़ आप देखेंगे कूड़े का पहाड़, उस तरह से पहाड़ जैसा, उस पर बैठ करके हम लोगों ने, ऐसे ढलान था और कितना दुर्गंध आ रहा था, वहाँ बैठ करके सत्याग्रह किए। 5 दिन तक आमरण अनशन हुआ, जिसमें लगा कि गर्मी का ही दिन था, मई महीना ही था, लगा कि जान चली जाएगी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, कोई जनप्रतिनिधि आया नहीं। अब 2010 में किसकी गवर्नमेंट थी इसको आप पता कर लीजिए। नगर पालिका परिषद भारतीय जनता पार्टी का था, वहाँ के चेयरमैन को शर्म नहीं आई, वहाँ के ईओ को शर्म नहीं आई, वहाँ के डीएम को शर्म नहीं आई, जैसे आज नहीं आती है। आज भी वैसे ही बेशर्म बने हुए आप चिल्लाते। अभी कुछ दिन पहले हमने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो कूड़ा फेंक करके जलाया जाता है, जिसमें मेडिकल वेस्ट भी है, उसी में फेंका जाता है। डीएम को मैंने व्हाट्सएप किया, फ़ोन किया, नहीं शर्म आई। वर्तमान डीएम को कह रहा हूँ, नाम लेकर के कह रहा हूँ, शर्म नहीं आई है और वैसे ही चल रहा है। यह है डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य। समय काटना है, समय काटते जाओ। तो दोस्तों इस तरह से गंगा को बचाने के लिए जो प्रयास किया गया, मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसके बाद तो तमाम जगहों पर ऐसे किया गया। गंगा में कभी मछलियाँ मर गईं, कभी यहाँ एक दारू की फैक्ट्री है, शराब की फैक्ट्री को, फैक्ट्री का जो उसका प्रबंधक था उसको दिल्ली में सम्मानित किया गया पर्यावरण को बचाने के लिए। और यहाँ शराब की फैक्ट्री का पानी सीधे सीधे गंगा में आता था, सीधे गंगा में एक नाला जो लगभग 15-18 किलोमीटर दूर चल करके आता था शराब फैक्ट्री का पानी। कई बार दिखाया ललकारा वहाँ उसको। तो यह लोग सामान्य लोग नहीं हैं, यह हत्या करवाते हैं, यह आपको गुंडे भेज करके पिटवा देंगे, मरवा देंगे, फर्जी मुकदमे दर्ज करवा देंगे। लेकिन कुछ हुआ नहीं ऐसा, लगातार हम लोग ललकारे और बहरहाल अब पानी बंद है। कुछ अच्छे जिलाधिकारी आए जिन्होंने इस पर काफ़ी प्रयास किया, यद्यपि जो जिलाधिकारी का आवास है गाजीपुर में उसके ठीक बगल से ही वह शराब की फैक्ट्री का पानी आता है। अब शराब का फैक्ट्री वाला इनको चंदा देता है, जो विधायक हैं जो सांसद हैं तो बोलेंगे कौन, कोई सांसद नहीं आया, एक बार भी कोई सांसद इसके लिए नहीं आया। चाहे वह शुरू से बताता हूँ, विश्वनाथ शास्त्री जी जब सांसद थे तब से हम लोगों ने संघर्ष किया, फिर उसके बाद विजय सोनकर शास्त्री थे, विद्यासागर सोनकर थे जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं, तत्पश्चात गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी थे, ओम प्रकाश सिंह थे, मनोज सिन्हा दो दो बार हुए, फिर अफजाल अंसारी हैं, लेकिन किसी को कोई असर नहीं हुआ। साहब ऐसे ही समय काटते जाओ, हमसे क्या मतलब, गंगा से वोट मिलेगा क्या? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब माँ गंगा ने, बहनों भाइयों मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, जब आपने गंगा के बारे में सोचा भी नहीं था हुजूर, तब से गंगा के लिए छोटी सी टुकड़ी को लेकर के संघर्ष किया जा रहा है। कभी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को बुलाया गया, कभी गोविंदाचार्य जी को बुलाया गया, कभी ऐसे लोगों को, कभी डॉक्टर कमल टावरी को बुलाया गया, और कभी पर्यावरण को बचाने के लिए 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लगाई गई, ऐसे अनेक कार्यक्रम किए गए, लगातार किया जा रहा है। अब
प्रकृति संरक्षण कर रही है। जब प्रकृति के नियमों के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे, लगातार ऐसी हिदायतों पर आप बाज नहीं आएंगे, जो मानव के जीने के नियम हैं उसका उल्लंघन करेंगे, तो प्रकृति अंकुश लगाएगी ही, जैसा कि आज लगा रही है। वातावरण अच्छा हो गया, पक्षियों का कलरव है, आसमान साफ हो गया, ध्रुव तारा दिख रहा है, सप्तऋषि का दर्शन हो रहा है। तो दोस्तों आप बताते रहिए कि ब्रजभूषण जी इस बिंदु पर आपने क्या किया है। और जो इस तरह से देखिए एक पक्षी आ गई है, अगर आपने एहसास किया होगा तो यह सांध्यकालीन समय है और आज चतुर्थी है शुक्ल पक्ष का, आज चतुर्थ कल तृतीया थी, तो बैसाख मास की तृतीया है और सब कुछ ठीक ठाक है। आइए संकल्प लेते हैं कि गांव को सजाएंगे, पर्यावरण को सुसज्जित करेंगे, पॉलीथीन में सब्जियां नहीं ले आएंगे। आज भी पॉलीथीन पर बैन नहीं है साहब, साफ चल रहा है। अब आप बताइए 2010 में किसकी सरकार थी और गाजीपुर में कौन एमपी था, जब हम लोग ललकार रहे थे, मई 5 मई का यह दिन था, कौन उस समय जिलाधिकारी था, तब भी डट करके कर रहे थे, आज भी डट करके कर रहे हैं। अगर जिंदा कौमें हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएंगी और हाँ में हाँ मिलाना शुरू करेंगी, तो आपका विधायक निरंकुश हो जाएगा, आपका सांसद तानाशाह हो जाएगा, आपका डीएम कहेगा कि लोग कह रहे हैं साहब, पागल हो जाएगा। ऐसे में ललकारना जरूरी है। विनम्र भाव से सभी आदरणीय दोस्तों को ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। आइए अपने जीवन शैली में बदलाव लाएंगे। देखिए हवा चल रही है और यह अमरूद हमारे पीछे अमरूद है, प्राकृतिक वातावरण, मज़ा इसका है। कोई बाहर से कोई आवाज़ क्या देना है, आवाज़ तो पक्षियाँ दे रही हैं, उनका कलर हो रहा है और हम इस पर्यावरण आच्छादित वातावरण में अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, स्वीकार करिए, धन्यवाद।